खाली वक्त फिकर ना जरा भी, ये जुए के पैसे उड़ाए उम्र के। हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरुभाई हिंदी रैपर। तो आज की इस वीडियो के अंदर भी आपको टाइटल पढ़ के पता लग ही गया होगा कि मैं क्या अनबॉक्स करने जा रहा हूँ। फिर भी आपको मैं बता दूं, इसका नाम है प्रीसोनस एरीज 4.5। ये टू वे स्टूडियो मोनिटर्स है जो कि हमारे नियर फील्ड में काम आते हैं। आपको मैं बता दूं कि नियर फील्ड होता है हमारा, ये जो आप सामने देख रहे हो पॉप फिल्टर, ये इसके साथ नहीं आता, ये हमने वैसे ही रखा हुआ था। तो मेन आपको ये स्टूडियो मोनिटर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मैं बता रहा था, स्टूडियो मोनिटर्स ये नियर फील्ड के हैं। नियर फील्ड के स्टूडियो मोनिटर्स होते हैं जो कि हम अपने होम यूज़ के लिए या अपने छोटे रूम के अंदर यूज़ करते हैं। क्योंकि होम यूज़ क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास कई बार एकॉस्टिक रूम नहीं होते या हमारे साउंड प्रूफिंग सिस्टम नहीं होता, तो हम छोटे स्टूडियो मोनिटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके अंदर हमारे को क्वालिटी कम आवाज़ के अंदर सुननी पड़ती है। अगर आपके बड़े हैं मतलब स्टूडियो मोनिटर्स, तो आपका रूम भी बड़ा होगा। तो आपको अपने रूम के हिसाब से, अपने एकॉस्टिक सिस्टम के हिसाब से आपको चूज़ करना है कि ये कहाँ पे कैसी ज़रूरत है। तो ये अनबॉक्स हो रहा है, इसके अंदर दो स्टूडियो मोनिटर्स मिलते हैं, और जिसकी कीमत भी आपको मैं बता दूं, इसकी कीमत अभी मार्केट में जो अभी चल रही है 16,800 या 16,700, ये अमेज़ोन के ऊपर अवेलेबल है। बाकी अगर आपको इसे सस्ता कहीं आसपास मिलता है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और ये जो स्टूडियो मोनिटर्स है, इसके अंदर आपका जो मतलब लो पॉइंट है, लो मतलब कि ये जो सामने देख रहे हो सर्कल के अंदर जिसमें बेस बाहर आता है, तो ये आपका पीछे है। तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप इस स्टूडियो मोनिटर्स को रखें किसी वॉल से, मतलब जहां पर भी आप रखोगे टेबल, उसके पीछे जो दीवार होगी उससे थोड़ा सा आप दूर करके ही रखें। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा साउंड क्वालिटी को समझने में आसानी रहेगी। वो उसका कारण भी बता देता हूँ कि अगर आपके पास वो स्टूडियो मोनिटर्स लगा हुआ, आपने वॉल्यूम ज़्यादा रखी है, तो क्या होगा, वो आवाज़ टकरा के वापस आएगी। तो अगर वो साउंड टकरा के आगे पीछे आएगी तो आपको वो साउंड का पता नहीं लग पाएगा, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पर इसकी क्वालिटी मैंने टेस्ट की है, आओ आपको भी मैं सुना दूंगा, अच्छी है क्वालिटी। जैसा कि आप देख सकते हो, इसके अंदर लो, मिड, हाई तीनों को एडजस्ट करने का ऑप्शन अलग से दिया हुआ है, और इसके अंदर साथ ही साथ ऑप्शन भी दिया है और इसमें पिक्चर्स भी दिया हुआ है। नीचे लिखा हुआ आप देख रहे हैं, आप -4 dB, -2 dB और ये साथ में, ये तीन पिक्चर्स आप देख रहे हो, इसमें दिखाया हुआ है कि कैसे कैसे डीबी के अंदर आपको कैसे अपने स्टूडियो मोनिटर्स को पोजीशन करना है, जिससे कि आपको पता लगेगा। कुछ वी शेप में है, कुछ यू शेप में है, जैसे ही आपको ठीक लगे साउंड को अच्छा सुनने में, आप वैसे यहाँ पे रख सकते हैं। और देख सकते हैं आप, ये TRS केबल है और यहाँ पे लाइन है। जैसे कि आप जानते हैं TRS केबल होती है हमारे एक तरह से जैक, शायद 6.5 है उसको TRS में बोलते हैं। और ये दूसरा जो लाइन है, ये हमारे हेडफोन जैक की तरह इसमें कनेक्ट होता है, जैसे कि हमारे ऑक्स आजकल हमारे होम थिएटर सिस्टम में भी मिल जाते हैं, उसके अंदर यूज़ होता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी पावर केबल है, इसके साथ आपको ये चार केबल्स मिलती है। ये दूसरी केबल है जिसके अंदर ये कनेक्ट होगा, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, जैसे कि हमारे होम थिएटर्स कनेक्ट होते हैं बड़े वाले। ये थर्ड वायर है जो कि हमारी ऑक्स केबल है, जिस तरह से आपके मतलब कि आपके जैसे कनेक्शंस है, जैसे फ़ोन में आपको कनेक्ट करना है तो उसके लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हो। और बाकी ये मैनुअल है, और इसके साथ एक और अच्छी सी चीज़ है जो मतलब ज़्यादा भी कुछ अच्छी नहीं कहूँगा, यूज़ के मुताबिक अगर आपको नीड लगती है तो आपको इसके साथ एक पैड मिलता है जिसके ऊपर आप इसको रख सकते हैं, ताकि जब भी आपकी साउंड ज़्यादा वॉल्यूम पे रहे और तो आपके स्पीकर्स वाइब्रेट ना करें। वैसे तो इनके वज़न बहुत है, मतलब इतना वज़न है कि ये ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करेंगे, मैंने देखा है। एक का मतलब वज़न थोड़ा कम होगा और एक का वज़न ज़्यादा, क्योंकि एक का वज़न ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि एक के में ज़्यादा एम्पलीफायर लगा हुआ है और उसका मतलब वज़न ज़्यादा ही होगा, और दूसरी साइड में थोड़ा सा खाली है अंदर से, इसीलिए इसका वज़न एक कम होगा। तो आपको अगर ज़रूरत है तो आप लगा सकते हैं इसके नीचे एक पैड, बस ये वॉल, और ये इसके साथ मिलता है एक स्टिकर, मर्जी आपकी लगानी हो। बाकी आपको कनेक्ट करते हुए दिखा देते हैं कैसे कनेक्ट करना है। यहाँ आपको एक पावर केबल लगानी है जो कि बिल्कुल सिंपल, जैसे दूसरे होम थिएटर्स आपने घर में यूज़ किया होगा उसी तरह से इसको भी यूज़ करना है। उसके बाद आपको रेड और ब्लैक वाली वायर को कनेक्ट करना है। आप यहाँ आप देख रहे हो कलर्स मैच करने, बस आपको रेड को रेड में लगाना है, ब्लैक को ब्लैक में लगाना है। वायर की क्वालिटी भी अच्छी है,
वैसे तो ये इस तरह की वायर अगर बाई चांस आपकी कभी ख़राब होती है या कभी आपका मतलब चूहा काट देता है, होता है ना कभी घर में ऐसे तारे जल्दी कट जाती है, तो नॉर्मली वायर मिल भी जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस इसी तरह इसी को दूसरे वाले में रेड और ब्लैक में ब्लैक कनेक्ट कर देना है, और आपको इसके पोजीशन बिल्कुल अच्छे ढंग से करने हैं, क्योंकि स्टूडियो मॉनिटर का काम अगर आप कर रहे हो, यूज़ ले रहे हो, तो जब तक आपने उसकी पोजीशन ढंग से नहीं रखी है तो उसका क्वालिटी का मज़ा नहीं आएगा। बस यहाँ ऑन करना है, लाइट्स जल जाएगी, और यह वायर ऑक्स वाली यहाँ लगी है, आप लगा सकते हैं। यहाँ से कनेक्ट किया है, जो रेड और ब्लैक वाली वायर है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे कनेक्ट होगी। आपने इसमें देखा कि यहाँ पे TRS केबल लगाने का भी ऑप्शन था, पर हमने TRS केबल नहीं लगाई क्योंकि हमें इसके साथ TRS केबल नहीं मिली। और इसका कारण भी बता देता हूँ कि हमने ये रेड वाली और वाइट वाली वायर लगाकर ही क्यों चलाया, क्योंकि हमारे पास स्कारलेट का सोलो वाला इंटरफेस है, उसके अंदर TRS केबल लगाने का ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास भी अगर सोलो वाला है तो उसके अंदर ऑप्शन नहीं होगा, आपको पता ही होगा अगर किसी ने यूज़ किया है, या अगर कोई यूज़ करने वाला है तो उनको मैं पहले ही बता दूं, ये उसके अंदर कनेक्ट ऐसे नहीं होगा। उसके लिए जो वायर इसके साथ मिली है इसी से कनेक्ट होगा, और वो इसी के अंदर जो ऑक्स आपने देखा था हेडफोन वाले, उसी में कनेक्ट होगा। ये आप क्वालिटी सुन रहे हैं, तो इस तरह की और वीडियोस के लिए या रैप से रिलेटेड वीडियो के लिए या हिप हॉप ट्रैक तैयार करना है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे से। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और जय हिंद। मेरी उम्र, मेरा सफर, मेरी ख्वाहिशें हैं बड़ी, मेरी एक के बाद एक कमाने की स्पीड बढ़ी, इस मतलब के दौर में रिश्तों में आग लगी, फ्री है तो छोटे बच्चे हैं, इनको क्या आन पड़ी, शायद इनको भी है लालच जल्दी पैसों को कमाने का, शायद गर्लफ्रेंड से शादी करके जल्दी घर पे लाने का, माँ बाप को कमाता रोक घर पे बिठाना, क्योंकि मैं भी मौका ढूंढूं बॉलीवुड में रैप गाने का।